यो न सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत सुना मुह्यति। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र, जो क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है और खुशियों के आने पर भी दूसरों को दिखाता नहीं है कि मैं कितना खुश हूं, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। इसलिए अपनी खुशियों को भी पचाना सीखना और यदि क्रोध आ जाए तो उसको पी जाना सीखना, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय आपके भविष्य को बिगाड़ देता है। कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में तुम्हें आगे बढ़ने के बहुत चांस थे, लेकिन तुम्हारे क्रोध ने तुमको ढकेल कर पीछे कर दिया। गुस्सा में आकर के तुमने हाई कमान को अंडबंड बोल दिया। बोलने से पहले तौल लीजिए किसको क्या बोलना है, क्योंकि मुख से निकली हुई बोली बंदूक से निकली हुई गोली, इस पर तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। उस पर थोड़ा विवेक कर लीजिए। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वे बहुत कम बोलते हैं, जो मीडियम बुद्धिमान होते हैं वो थोड़ा मध्यम बोलते हैं, और जो कम बुद्धिमान होते हैं फिर बहुत बोलते हैं। और उनसे कहो तुम जरा चुप रहो तो कहते मैं क्यों चुप रहूं, कोई चुप नहीं रहता, मैं भी चुप नहीं रहूंगा। और मौन की शक्ति को पहचानो। जब आपके घर में कलह कलेश ज्यादा बढ़ रहा हो तो आप थोड़ा मौन की साधना कीजिए। कभी राम बन के, कभी लक्ष्मण बन के, कभी भरत बन के, कभी शत्रुघ्न बन करके रहिए। 4-in-1 आपकी लाइफ में होना चाहिए। कभी आवश्यकता हो तो राम जैसा रूप बनाइए, और जरूरत पड़ने पर लक्ष्मण जैसे सेवक बन करके अपने भाई को मदद कीजिए, साहसपूर्वक संघर्ष कीजिए। और कभी भरत बन करके प्रेम का रूप खड़ा कर दीजिए, और कभी शत्रुघ्न बन करके मौन की साधना कीजिए। शत्रुघ्न मौन का रूप है, भरत प्रेम का रूप है, और लक्ष्मण सेवा का रूप है, और राम तो आनंद का रूप है। याद रखना, कभी आनंद में भी रहा करो, कभी सेवक बनकर सेवा लक्ष्मण की तरह कर लिया करो, और कभी भरत जैसा प्रेम भी कर लिया करो, और कभी मौन होकर के थोड़ा मुस्करा दिया करो। जिंदगी में हर रूप आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में शांति आएगी। और गम खाओ कम खाओ ये फार्मूला तो आपने सुना है, पर ज़्यादातर लोग खाने बैठते हैं तो डबल खा लेते हैं, और गम खाने का नंबर आता तो कहते क्या हम ही गम खाएं, सबको गम खाना चाहिए। अरे सबका तुम ठेका नहीं लियो, तुम अपनी गम खाओ, दूसरों की बात मत करो। जिसको खुद गम खाना नहीं होता वो दूसरों की बात करता है, ये लोग भी तो गम खाएं, हम गम को खाएं। नहीं, कोई गम खाए या न खाए, आप गम खा लीजिए और मुस्कराइए कि इस संसार में गम खाने वाले लोग ही सुखी रहते हैं। जो गम नहीं खा सकते हैं उनकी ज़िंदगी गम में बीत जाती है। गम माने चिंता भी होता है, तो गम माने सहना भी होता है। जो गम खा लेते हैं उनकी ज़िंदगी की गम कम हो जाती है, और जो गम नहीं खा पाते हैं वे दुनिया से खुद ही कम हो जाते हैं। इसलिए गम खाना भी सीखो। जिन्होंने राजनीतिक पार्टी में गम नहीं खाया वो पार्टी से कम हो गए, अलग हो गए, और जिन्होंने घर में गम नहीं खाया वो घर से अलग थलग हो गए, और जिन्होंने आश्रम में गम नहीं खाया वे साधु बनकर भी अलग थलग हो गए। गम खाने वाले लोग ही एक धागे में जुड़ करके रह सकते हैं, और गम खाने वाले लोग प्रेम के धागे को मजबूत कर सकते हैं, और जो गम खाना जानता है वही क्रोध की आग को बुझा सकता है और शांति के अमृत का पान कर सकता है। यदि पिताजी की थोड़ी गम खा लोगे, वाइफ की थोड़ी गम खा लोगे, पति की थोड़ी गम खा लोगे, इसमें छोटे नहीं हो जाओगे। एक कमिश्नर के यहाँ मेरी पदरौनी थी, जलपान था, नाश्ता, तो उसकी पत्नी को टाइम नहीं मिलता था कमिश्नर को समझाने का, तो मेरे सामने ही उनको समझा रही थी, तो कमिश्नर मुस्करा रहे थे। कमिश्नर बहुत बड़ा वक्ता था, तो हमने कहा कुछ आप नहीं बोल रहे हो, बोलने ये बोलने का स्थान नहीं, ये सुनने का स्थान है, यहाँ हमारी पत्नी का नंबर रहता है, ये प्रवचन देती है, मैं सुनता रहता।
तो मैंने कहा इससे फायदा क्या? बोले फायदा ये पूरे घर का लोड इसी के ऊपर है, हम तो निश्चिंत रहते हैं, और ज़्यादा हम बोलेंगे तो ये लोड छोड़ देगी तो पूरा लोड मेरे ऊपर आएगा, इसलिए बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसको धन्यवाद दे देता हूँ। बहुत बड़ी बात है, जो लोग पूरा लोड लिए हुए हैं उनकी बातें थोड़ा बैठ करके प्रेम से सुन लिया करो, और उनकी थोड़ी प्रशंसा भी कभी कभी कर दिया करो। मैं नेपाल में गया आज के 30-31 वर्ष पहले पहली बार, तो वहाँ मैंने ज़्यादातर देखा वहाँ महिलाएं ही पूरा घर का लोड लेती हैं, दुकान का लोड लेती हैं, और पुरुष लोग महिलाओं का स्थान लेते हैं, वो घर में बैठे रहते हैं, सब्जी उब्जी काटते रहते हैं। तो हमारे एक भक्त थे, नाम नहीं लूँगा नहीं तो वो सुन रहे होंगे यूट्यूब में लाइव टेलीकास्ट, तो गड़बड़ हो जाता है, फिर बोलते हमें तुमने बदनाम कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कुछ बोलते नहीं हो? बोले ना, बोलने में बहुत सुख मिला है। हमने कहा क्या मिला? बोले दुकान भी वाइफ चलाती है, मकान भी वाइफ चलाती है, और हमको भी वाइफ चलाती है, और सबको वाइफ चलाती है। तो हमने कहा वाइफ को कोई चलाता है? बोले वो खुद को चलाती है। बोले हम बहुत सुखी हैं, ज़्यादा हम बोलेंगे तो ये सब लोड हमारे ऊपर ही आ जाएगा, और हम उसको रोज़ शाम को धन्यवाद देते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और महान हो, तुम जैसी पत्नी मिल गई तो समझो हमको तो सब सुख मिल गया। तो वो और दौड़ दौड़ के काम करती है, और मैं बड़ा आनंद से रहता हूँ, सोफा सेट पर बैठता हूँ। तो हमने कहा अगर अगले जन्म में तुम कहीं पत्नी बन गए तो, वो पति बन गई तब क्या होगा? बोले पत्नी अगर हम बन गए तो फिर हम अपने पति को धन्यवाद देंगे, तो पति को दौड़ाएंगे, खूब काम लेंगे उससे। कितनी लेडीज भी होशियार है, अपने पति को बहुत धन्यवाद देती है, और उसका पति 60 साल की उम्र में भी जवानों जैसी छलांग मारता है, और कहता है अभी हम कमज़ोर नहीं हैं, पूरा सब हम संभाल लेंगे। और पत्नी मुस्कुराती है, चाय पीती है कि दौड़े रहो, जय हो तुम्हारी बजरंग बली, भागो चाहे जिस गली। थोड़ी प्रशंसा करके उनसे ज़्यादा काम लिया जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा प्रशंसा कर दिया करो। सत्संग धीरे धीरे विराम की ओर जाएगा, कुछ श्रोताओं के ऊपर ऐसा लग रहा है धूप आ रही है, धूप से डरो मत, धूप से विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी मिलने से दिमाग तेज होता है, और दिमाग तेज होने से प्रवचन याद रहता है, इसलिए धूप बुलाई गई है कि थोड़ा इन पर धूप पड़ जाए, नहीं तो ये सब भूल जाएंगे प्रवचन, तुम्हें याद रहे। महिलाओं के ऊपर धूप इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि इनको ऐसे ही ज़्यादा मेमोरी स्ट्रांग है, इनको सब बचपन की बातें याद रहती हैं, कहानी सुनाती रहती है, और इनको भूल जाएगा तो भी इनके पास पर्याप्त यादगारी है। सूरज की धूप आपके जॉइंट दर्द को भी खत्म करती है, सूरज की धूप, सुबह सुबह की धूप आपके चेहरे को चमकदार लालिमा देती है, और सूरज की धूप आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, और सूरज की धूप आपके बदन के नस नस की दर्द को खींच लेती है, इसलिए हर शरीर में थोड़ा सुबह सुबह की धूप लगनी चाहिए, और 3 बजे के बाद की भी धूप लग जाए क्या पूछना, फिर पूरा शरीर गर्म हो जाएगा, फिजियोथेरेपी कराने की जरूरत ही नहीं, ये फ्री की फिजियोथेरेपी सिकाई हो रही है, और इसको करा लीजिए आप, पंडाल में चल रहा है, कुछ पैसा देना हो तो दान डिब्बे में दान डाल दीजिए, ये फ्री सिकाई सबकी कर रहा हूँ, और इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जिनको घुटना दर्द है, कमर में दर्द बहुत है, उनके लिए राइट किंग आयल और एनार्ट पाउडर श्री चिवन आयुर्वेद कंपनी का आता है, उसको प्राप्त करके आप प्रयोग करें, ढूंढना कहीं मिल सकता है, और ये रामबाण है, लाखों लोगों का दर्द दूर हुआ है। लेकिन मैं कहूँगा आपके घुटना में यदि दर्द है तो आप शक्कर खाना कम कर दीजिए, घुटना में यदि दर्द है तो घुटने का व्यायाम शुरू कर दीजिए, घुटना में यदि दर्द है तो आप थोड़ा सा हंसना शुरू कर दीजिए,
क्योंकि हंसने से आपके शरीर में एंटोडर्फिन्स केमिकल बनता है, वो केमिकल शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है, फिर दवाई की जरूरत कम पड़ेगी, वही केमिकल आपके शरीर के रोगों को भगाएगा और वो हंसने से पैदा होता है। इसलिए हंसना चाहिए और ठहाका लगाना चाहिए, लेकिन ठहाका लोग लगाते नहीं हैं, लोग खुद ही ठकाने लगे हुए ठहाका क्या लगाए। भगवान कृष्ण हंसते थे, इसलिए कृष्ण भगवान ने कंस के द्वारा भेजे हुए तमाम राक्षसों को मार गिराया था हंसते हंसते। आपकी जिंदगी में भी समस्याओं के राक्षस आते हैं, दुखों के राक्षस आते हैं, इनको मार गिराने के लिए आपको हंसी खुशी बनाए रखना पड़ेगा, अन्यथा ये समस्याओं के राक्षस फिर आपको मार गिराएंगे। इनको जीतने के लिए आपको हंस करके इनका मुकाबला करना पड़ेगा, तो हर समस्या का समाधान निकल आएगा।